क्या हुआ जब पाकिस्तान में खतरनाक एक्सीडेंट से खुद हनुमान जी ने बचाई अपने भक्त शोएब खान की जान, और फिर जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तान की पूरी जनता हैरान हो गई। जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है और हनुमान जी अपने भक्तों में कभी भी भेदभाव नहीं करते। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पाकिस्तान के लाहौर में, जहां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शोएब खान बन गए हनुमान जी के सच्चे भक्त। दोस्तों आप भी हनुमान जी के चमत्कार और उनकी शक्तियों पर विश्वास रखते हैं तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों शोएब खान जी हमें बताते हैं कि यदि उस दिन हनुमान जी का चमत्कार नहीं हुआ होता तो शायद आज वह जिंदा नहीं होते और अपनी ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। दोस्तों मेरा नाम शोएब खान है और मैं लाहौर शहर में रहता हूँ। भले ही मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। मेरे कई सारे हिंदू दोस्त भी हैं। मेरे अबू जान भी मुझे हनुमान जी की पूजा करने से रोकते हैं, फिर भी मैं रोज अपने रूम में चोरी छुपे हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ। मेरी लाहौर में एक खुद की मटन की दुकान भी है। मैं जब भी अपनी दुकान पर जाता हूँ तो अपने प्रभु हनुमान जी का नाम जरूर लेता हूँ, और हनुमान जी की मुझ पर ऐसी कृपा है कि कभी भी हनुमान जी ने मुझे निराश नहीं होने दिया। बात 2007 की है, जब मैं अपने दोस्त अब्दुल खान की बहन की शादी में अजीजाबाद गाँव गया था। शादी रात की थी, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे घर जाने नहीं दिया। बहन की विदाई होने के बाद मेरे दोस्त अब्दुल ने मुझे अपने ही घर की छत पर बुलाया और मैंने देखा कि वहां पर उसने बियर और दारू का इंतजाम कर रखा था। उनके कुछ रिश्तेदार भी छत पर बैठकर दारू का सेवन कर रहे थे। अब्दुल खान ने मुझे बोला कि शोएब आज खुशी का दिन है और शादी का सारा काम भी खत्म हो गया है, क्यों ना आज बैठकर थोड़ा एंजॉय किया जाए। बहुत जिद करने के बाद मैंने अब्दुल की बात मान ली और हमने इतनी दारू पी ली कि हमें होश तक नहीं था कि हम कहां पर हैं। दारू के नशे के कारण अगली सुबह मेरी आंख 11 बजे करीब खुली। मैं उस समय भी थोड़ा थोड़ा दारू के नशे में था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी लेकर अजीजाबाद से अपने गांव लाहौर जाने लगा। जैसे ही मैं लाहौर की मेन रोड पर चढ़ा तो तभी अचानक से मेरी गाड़ी से एक ट्रैक्टर टकरा गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मैं अपनी गाड़ी के आगे वाले शीशे से बाहर निकल कर आकर रोड पर गिर गया और खून से लथपथ था और बेहोश हो गया। मुझे जैसे ही होश आया मैंने देखा कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और मुझे बस इतना याद है कि जब मेरी कार ट्रैक्टर से टकराई थी तब उस समय मेरे मुंह से केवल हनुमान जी का नाम ही निकला था। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मुझे उठाकर पेड़ के पास रख दिया, क्योंकि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई थी और थोड़ा खून निकल रहा था। वहां पर लोग जो खड़े थे वो मुझसे कहने लगे, भाईजान आप बहुत किस्मत वाले हो जो आज आप जिंदा हो, इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद तो शायद ही कोई बच पाए। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गया, मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से, क्योंकि जब मेरी कार से ट्रैक्टर टकराया था तो उस समय मेरे मुंह से केवल हनुमान जी का ही नाम निकला था, ना ही अम्मी जान का और ना ही अबू जान का। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और मैं अपने रूम में जाकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। दोस्तों आपको बस यही कहना चाहूंगा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि हम भगवान को दिल से मानते हैं तो कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य ही हमारी रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं और हमें अनहोनी से बचा लेते हैं। जरूरी नहीं कि केवल हिंदू ही हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं और वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।